हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर बिफोर यू वंस अगेन विद अ फ्रेश सेशन ऑन आर इंग्लिश बिल्डिंग कोर्स। इस कोर्स में हम क्या करेंगे, इस सेशन के साथ हम आपकी फाउंडेशन बनाएंगे। दैट मींस हम स्टार्ट करेंगे आपको देना कुछ कंटेंट जिसे आप सीखना शुरू करेंगे कि मैंने इंग्लिश में आगे कैसे बढ़ना है, और फिर हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। लेकिन आज का सेशन जो है हमने पूरी तरह से रखा है इंग्लिश के जो बेसिक फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं उनके लिए। देखते हैं वो क्या है। ओके, तो आज हम क्या स्टडी करेंगे, आज हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो वी लर्न हाउ टू मास्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आई विल टेल यू अ वंडरफुल वे ऑफ डूइंग दैट। मैं आपको इस सेशन के अंत तक ये सिखा दूंगा कि आप कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे प्रैक्टिकल तरीके से। ओके, तो इस सेशन को जरूर पूरा लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ असाइनमेंट भी कीजिएगा। ओके, और इसके बाद भी हम आपको बहुत सारे सेशंस देंगे जहां पर आपको एक्टिविटीज और असाइनमेंट वो करना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं, और भूलिएगा नहीं, इन सब के बाद आपको प्रैक्टिस सेशन भी लेना है। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई सीधी सी बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रामर। तो अगर हम ग्रामर को देखें तो हम अक्सर टेंसेस को कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आमतौर पर हम इग्नोर करते हैं। तो अभी हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, इनको अच्छी तरह से पढ़ना है और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, तो आज हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो रूल्स बता देता हूं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए वो दो रूल्स पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के लिए कौन कौन से हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है। सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सब्जेक्ट है, ये दोनों अलग अलग हैं। पहले ये समझ लीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में कोई काम करता है। अब जो कोई काम करता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और जिसके ऊपर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। और उसके भी रूल्स हैं, उसके दो रूल्स हैं। पहली बात, जैसे सब्जेक्ट होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक नाउन या प्रोनाउन। लेकिन इसका दूसरा रूल बहुत बड़ा है, और वो रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा और या होगा प्रीपोजिशन का। इसका मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हम बात करेंगे या तो वर्ब की या प्रीपोजिशन की। ऑब्जेक्ट होगा क्या, या नाउन या प्रोनाउन, इनका ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन होगा ये। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाऊंगा कहां सब्जेक्ट है, कहां ऑब्जेक्ट है, और वो किसका है, और आप उसको समझेंगे भी। और इसी से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ छोटे छोटे रूल्स समझना शुरू करेंगे। आर यू ऑलरेडी गियर्ड अप? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, आठ होती हैं। पहला जैसे हमारा नाउन होता है, फिर प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, इसके बाद वर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है, और लास्ट में इंटरजेक्शन आता है। इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन नाउन जो मेन होता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप नाउन की बात करेंगे हमेशा, प्रोनाउन इसका भाई होता है, यानी इसकी जगह आता है। तो इसीलिए जब हमने बताया सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो यानी दोनों एक साथ आते हैं अक्सर, यानी एक की जगह दूसरा। एडजेक्टिव इन दोनों की विशेषता बताता है, और उसके बाद आता है एडवर्ब, एडवर्ब सबकी विशेषता बताता है। ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, वर्ब की भी बता सकता है, और अपनी भी बता सकता है, और तो और ये इनकी भी विशेषता बता सकता है। एडवर्ब बहुत खतरनाक होता है, हम किसी दिन आपको सिखाएंगे। लेकिन इसके आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। अगर मुझे आपसे पूछना हो कि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपका जवाब हमेशा यही होना चाहिए, सर वर्ब। ओके, वर्ब के बिना एक सेंटेंस पूरा नहीं होता, इसीलिए आपने सारा ध्यान किसके ऊपर लगाना है, वर्ब के ऊपर। यस, इसके बाद हमारे आते हैं ये भाई साहब प्रीपोजिशन। जैसा कि नाम से मालूम है, प्रीपोजिशन पहले लगना, ये लगता है पहले किसके, ऑब्जेक्ट के। अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्ट किसका होता है, या तो प्रीपोजिशन का या वर्ब का। तो इन दोनों के बाद आपको ऑब्जेक्ट अक्सर मिलेगा। ये तब मिलेगा जब ये ट्रांसिटिव वर्ब होगा, लेकिन इसके बाद तो अक्सर मिलेगा। कौन मैंने होता है, टुगेदर, जंक्ट मैंने जोड़ना, जो जोड़े दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, या दो फ्रेजेस को, या दो क्लॉजेस को, उसको बोलते हैं कंजंक्शन।
ओके, तो इंटरजेक्शन का हमें बहुत सारा इस्तेमाल नहीं करना होता है, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि हम अब बिल्कुल डीप में नहीं जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपने छाटना कैसे प्रैक्टिकल तरीके से। तो एक काम करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। ओके, मैं आपको तीन सेंटेंसेस दूंगा, एक ही वर्ड है और कैसे वो चेंज हुआ, आपने मुझे बताना है कि वो क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पहला सेंटेंस आता है ये, आपको एक वर्ड इसमें उठा हुआ व्हाइट कलर से मार्क दिखाई दे रहा होगा, बताइए वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच है और क्यों है। दैट मीन्स पहले सेंटेंस में शुगर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच काम कर रहा है और क्यों कर रहा है। डिड यू गेट इट? इससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मुझे शुगर से पहले क्या दिखाई दे रहा है, ऑफ। और ऑफ क्या होता है आपको मालूम है, ऑफ होता है हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये बिल्कुल मैथ्स की तरह काम करता है, इसका मतलब ये नाउन है, ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, ये किसी चीज का नाउन है, 101% नाउन है। आप जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझें, आप इस तरह से देखने की कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले वर्ब कहां है, फिर देखिएगा सब्जेक्ट कहां है, फिर देखिएगा ऑब्जेक्ट कहां है, और आपको अक्सर मिल जाएंगे ज्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू विल बी एबल टू फाइंड देम। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसमें मैं आपसे कहूं कि बताइए वर्ब कहां है, इस पूरे सेंटेंस में वर्ब ढूंढो कहां है, वेयर इज द वर्ब, या कुड यू फाइंड आउट। तो वर्ब याद रखिए, पीछे भी आ सकता है लेकिन ज्यादातर आपको यहां पर दिखाई देगा, तो मुझे वर्ब दिखाई देगा, एडेड एक वर्ब है। और जो वर्ब से पहले आता है वो क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जो काम करता है तो वो वर्ब से पहले आएगा क्योंकि वो कर रहा है, वो सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, देखने से ही मुझे क्या पता चल रहा है, ये प्रोनाउन है। डू यू गेट माय पॉइंट? अब देखो कितना आसान हो गया, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और अब आती है बात इसकी, तो क्या कोई मुझे बताएगा ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। अब इसमें एक ऐसी चीज लगी है जो एक रूल बना भी रहा है और एक रूल को तोड़ भी रहा है, तो हम देखेंगे बड़ा रूल कौन सा है। तो जो बड़ा रूल है वो बना रहेगा, जो छोटा रूल है वो खत्म हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं एक रूल क्या होता है। हमारे पास कुछ एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। आप कहेंगे सर ये एडजेक्टिव सफिक्स क्या है? बहुत आसान बात है, यदि किसी वर्ड के आगे आपको एफ यू एल मिल जाए, एल ई डबल एस मिल जाए, ए एल मिल जाए, ए बी एल ई मिल जाए, ये सारे वर्ड जब मिल जाते हैं किसी वर्ड के आगे तो वो उसको एडजेक्टिव बनाते हैं। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि एफ यू एल आया, एफ यू एल आया तो ये एडजेक्टिव सफिक्स है, तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन एक और रूल है जो इसको तोड़ रहा है, बताइए क्या। तो आप याद रखिएगा, इंग्लिश में कुछ कमाल के रूल्स होते हैं। आपको अगर इंग्लिश में आर्टिकल के आगे, ओके, आर्टिकल आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द, प्रीपोजिशन के आगे, ओके, ऐसे ही ट्रांजिटिव वर्ब, मैं यहां पर इसको ट्रांस वी करके लिख दे रहा हूं, ओके, और पोजेसिव एडजेक्टिव के आगे, ये चार इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, कुछ और भी हो सकती हैं, इसके आगे एक दो तीन का रूल लगाइएगा। अब भाई एक दो तीन का रूल क्या कहता है कि भैया अगर एक वर्ड आया तो वो क्या होगा, वो नाउन होगा। अगर दो वर्ड आए तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। अगर तीन वर्ड आए तो वो क्या होगा, वो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन होगा। ओके, तो आप इसको हमेशा एक दो तीन से याद रखेंगे। अगर एक वर्ड हुआ तो नाउन, दो वर्ड हुए तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, और तीन वर्ड हुए तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। तो इसको 1 2 3 3 2 1 कुछ भी नियम कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको ये नियम बहुत काम आएगा, अभी हम देखेंगे। नाउ लुक एट दिस, मुझे ये दिख रहा था ये एफ यू एल है, एडजेक्टिव सफिक्स होना चाहिए, लेकिन बड़ा रूल है ये, और चूंकि ये बड़ा रूल है इसीलिए एडजेक्टिव सफिक्स होने के बावजूद ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। ये 101% आर्टिकल के बाद एक वर्ड आ रहा है तो ये नाउन होगा। अब आप कहेंगे सर ये भी तो है, लेकिन यहां से ये कट जाएगा क्योंकि इसके बाद तो फिर प्रपोजिशन आ गया, तो जैसे आर्टिकल आया फिर प्रपोजिशन आया, तो हम इसको एक वर्ड मानेंगे इसके बाद, और एक वर्ड आया तो यह क्या होगा दोस्तों, यह नाउन होगा।
अब आपको समझ में आया आपने कैसे देखने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? बिल्कुल ऐसे देखने हैं। अब आप कहीं पर भी देखेंगे, देखिए ये आ गया, ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये रहा प्रीपोजिशन, ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। माय, योर, देयर, हर, ये सारे के सारे आर, ये सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव का रूल भी यही होता है, एक वर्ड आया तो नाउन होगा। तो ये दोनों इकट्ठे आए हैं तो मैं इसको एक मान लूंगा, तो एक वर्ड आया इसके बाद तो बताओ टी क्या होगा? टेल मी व्हाट इज टी। एब्सोल्युटली राइट, टी इज आर नाउन। देखिए जब मैंने सेंटेंस लिखा होगा तो आपने सोचा होगा सर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कैसे बताएंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसमें तो अलग अलग रूल्स लगेंगे, ये कहां लगा हुआ है, कोई यहां लगा है कोई वहां लगा है। अच्छा शुगर जब आता है तो हमेशा नाउन होता है? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। मैंने आपसे क्या कहा? आप उसका काम देखिए, नाम नहीं। और मैंने आपको सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इसको आपने ऐसे ही करना है। ओके एक और देखिए एग्जांपल, देखते हैं जरा क्या है। अब जरा मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं। शुगर वही है, शुगर यही है। तो अगर शुगर वही है, शुगर ये है, तो बताओ यहां पर शुगर क्या काम कर रहा है? कितना छोटा सा सेंटेंस है, यहां शुगर क्या काम कर रहा है? देखिए इसको जानने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि फिर माय आ गया, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव आया। मैंने बताया था प्रीपोजिशन हो, ट्रांसिटिव वर्ब हो, आर्टिकल हो, पोजेसिव एडजेक्टिव हो, चार चीजें आ जाएंगी। तो ये तो हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव 101%। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा नाउन, क्योंकि इसको क्या चाहिए? इसके आगे नाउन चाहिए, हमें नाउन मिल गया। लेकिन याद रखिए मैंने आपसे कहा था कि यहां पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, तो भैया ये तो नाउन होना चाहिए। अगर मैंने इसको नाउन बना दिया तो फिर आपने देखना बड़ा रूल क्या है, आज मैं आपको यही सिखा रहा हूं। अगर मैंने इसको नाउन बना दिया तो मेरा वर्ब कहां है? बड़ा रूल क्या कहता है? बड़ा रूल कहता है कि एक सेंटेंस बिना नाउन के बनता ही नहीं। नहीं, एक सेंटेंस बिना वर्ब के बनता ही नहीं। तो नाउन के बिना बन जाएगा, वर्ब के बिना नहीं बनेगा। अगर यह वर्ब नहीं है, यह वर्ब नहीं है, 101% यही वर्ब है। डिड यू गेट द पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि यह क्या काम कर रहा है। दोस्तों यह वर्ब का काम कर रहा है, यह नाउन का काम नहीं कर रहा है। एक सेंटेंस बिना नाउन के बन सकता है, एक सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, लेकिन एक सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। शुगर का मतलब होता है चीनी, शुगर का मतलब होता है चीनी मिलाना, चीनी डालना। शुगर माय टी, मेरी चाय में चीनी डाल दो। मिलाना से अच्छा डालना, मिलाने के लिए हम स्टर का इस्तेमाल करते हैं बाय द वे। ओके सो याद रखिएगा शुगर माय टी में शुगर एक वर्ब है। अब यहां शुगर क्या था? नाउन। क्यों? क्योंकि नियम के कारण। यहां शुगर क्या है? वर्ब। क्यों? क्योंकि नियम के कारण। नियम क्या कहता है? हमें वर्ब जरूर चाहिए। बाय द वे जो सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं दोस्तों। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट्स गो टू अनदर वन एंड फाइंड थर्ड शुगर वर्ड। ओके आज मैं आपको शुगर से ही समझा दूंगा। अरे वाह वाह वाह, अब तो शुगरी हो गया। शुगर का मैंने बना दिया शुगरी। कोई मुझे बताएगा ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या काम कर रहा है? बस इतना अगर आपने बता दिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, जो आपके इसी सेशन के बाद में असाइनमेंट में लगे होंगे आपने वहां बस टिक करना होगा, लेकिन मैं आपको पहले दिखा दूंगा आज, पर वो करना जरूरी है। ओके देखिए याद रखिए जो मैंने रूल आपको बताया था वो क्या है। मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, अभी बाकी छोड़ दो, यहां पर क्या मिल रहा है? प्रीपोजिशन। ये क्या मिल रहा है? एंड, यानी मैं यहां से लेकर यहां तक देखूंगा पहले। ओके इसके बाद तो हमारा दूसरा क्लॉज या फ्रेज या वर्ड जुड़ जाएगा। अभी क्या है? ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कितने वर्ड्स हैं? गिन के बताओ। दो। यहां कितने वर्ड्स थे प्रीपोजिशन के बाद? एक। यहां पोजेसिव के बाद कितने वर्ड थे? पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक, लेकिन यहां प्रीपोजिशन के बाद दो वर्ड्स हैं। अगर दो वर्ड्स हैं पहला जरूरी होगा नाउन, लेकिन अगर उससे पहले कुछ आ गया तो वो जरूरी होगा एडजेक्टिव। ये कॉम्बिनेशन होता है।
बस आपने यही ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव नाउन। सो इनटेक ऑफ शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स कॉजेज, अब इसमें वर्ब कहां आ रहा है पहले मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, वेयर इज द वर्ब, इनटेक वर्ब है या कॉजेज वर्ब है? दोस्तों ये वर्ब है, करता है, कारण बनता है। अच्छा एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, यहां ड्रिंक्स आ रहा है, यहां फूड आ रहा है और यहां एंड भी आ रहा है, और एंड से तो ये प्लूरल वर्ब बन जाना चाहिए ना भाई, जैसे ही एंड आया तो मेरे दो सब्जेक्ट हो गए, एक ये और एक ये, इस हिसाब से तो यहां पर कॉज होना चाहिए, तो मैंने गलती से लिख दिया है शायद कॉजेस। अरे नहीं, गलती कैसे हो सकती है, यहां पर कॉजेज ही आएगा, कॉज नहीं, क्योंकि मैंने ये बताया था जब आपके पास प्रीपोजिशन होता है उसके बाद जो आता है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कभी नहीं लगाते, वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। ये रहा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, इनटेक मैंने कंजम्पशन लेना, इनटेक ऑफ शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स कॉजेज, ये रहा मेरा वर्ब। ओके ये नाउन था, एंड से जुड़ रहा है तो ये भी नाउन होगा। ओके क्या कॉज करता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इज दिस क्लियर, अगर आपको ये बात क्लियर हुई हो तो आपको मैं आगे लेकर चलता हूं आपके असाइनमेंट के लिए। अब आपने करना क्या है, आई एम गिविंग यू असाइनमेंट हियर, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं इसको यहां से सारा ये हटा देता हूं, ये असाइनमेंट हम आपको आगे देंगे लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं। ओके सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने यहां से इन क्वेश्चंस के जवाब देने, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि जो ये अंडरलाइन वर्ड है ये इसका आंसर क्या होगा, यानी ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ओके सो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आपने इसका जवाब देना है। ओके और इसको हम आपको आगे भी दे देंगे, वरना आप ये असाइनमेंट के तौर पर कर सकते हैं। ओके और मेरा दूसरा क्वेश्चन है ये। ओके और आप इसका भी जवाब दे सकते हैं, तो ये हमने दो आपको दिए हैं, आपने ये बताना है कि यहां पर स्वाम कैसा नाउन का काम कर रहा है, नाउन तो पता चल रहा है क्योंकि आर्टिकल आ गया, लेकिन अब आपको ये भी आना चाहिए कि ये कैसा नाउन है। ओके इनके आप जवाब दीजिएगा और असाइनमेंट में हम आपको इनको लगा भी देंगे, तो आपने सबके जवाब देने हैं, यू हैव टू गिव आंसर टू एवरीवन, हम आपको और भी क्वेश्चंस देंगे। ओके और हाँ प्रैक्टिस सेशन जरूर करना है, प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा और हम देखेंगे कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो देखते रहिए और प्रैक्टिस सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, और मैं जो आपको एक्टिविटीज और असाइनमेंट दूंगा आप उसका जवाब जरूर देंगे। ओके सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन, टिल देन दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ, लेट्स विन इट विद विनीत, बाय बाय, टेक केयर।